So today we will learn how to design a singly reinforced RCC beam. So what do you mean by say singly reinforced beam? हम लोग देखे थे कि singly reinforced beam क्या होता है. ये singly reinforced beam is a type of beam in which the reinforcement are provided only the tensile zone. Okay? तो जहाँ पे singly reinforced beam एक ऐसा beam है जहाँ पे जो main reinforcement होता है वो tensile zone में दिया होता है. जहाँ पे जो tension zone generate होगा वहीं पे दिया हुआ होगा. ओके नाउ इस क्वेश्चन को देखो. अभी हम लोग एक डिजाइन करके देखेंगे कि कैसे डिजाइन किया जाता है. व्हाट शुड बी द स्टेप्स, व्हाट शुड बी द चेक्स, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे. तो क्वेश्चन देखो कि क्या लिखा हुआ है. डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर. सो ऑलवेज पहला स्टेप, कोई भी डिजाइन का पहला स्टेप होना चाहिए द गिवन डेटा. सो स्टेप वन, That should be, क्या डेटा तुम्हें दिया हुआ है उस डेटा के ऊपर बेस करके तुम्हें डिजाइन को करना है. सो गिवन डेटा बोल सकते हो या फिर डिजाइन कंटेंट भी बोल सकते हो कि डिजाइन के लिए क्या कंटेंट दिया हुआ है. ओके डिजाइन कंटेंट स्लैश गिवन डेटा कोई भी यूज कर सकते हो, दो मत लिखना एक ही लिखना. सो क्या क्या डेटा दिया हुआ है, नाउ फाइंड इट आउट. सो स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर, इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, सो एल इज इक्वल्स टू 6 मीटर, सॉरी 5 मीटर नहीं 6 मीटर दिया हुआ है. नाउ और क्या बोला है, द बीम इज सब्जेक्टेड टू ए टोटल लोड ऑफ 35 kN/m इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट. ओके सो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर 35 kN/m के हिसाब से लोड आएगा और उस लोड के अगेंस्ट में हमें डिजाइन करना है. सो लोड का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहाँ पे फैक्टर्ड लोड नहीं, नॉर्मल लोड सब्जेक्टेड टू ए टोटल लोड. अभी यहाँ पे फैक्टर्ड नहीं बोला गया है. अभी हम लोग जिस मेथड से डिजाइन करेंगे उस मेथड के लिए लोड के लिए जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई करना होगा. सो से डब्ल्यू लोड का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल लोड 35 kN/m. सो यहाँ पे इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट है. हम लोग देखेंगे कि सेल्फ वेट के बिना भी अगर दिया हुआ होगा किसी लोड तो सेल्फ वेट को कैसे इंक्लूड करेंगे, लेटर ऑन बाकी एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे. सो W का वैल्यू दिया हुआ है. ओके और क्या दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है. सो FCK का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा 20 N/mm² और MPa लिख सकते हो. और FY का वैल्यू दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ स्टील 415 N/mm² और माइल्ड एक्सपोजर. ओके एक्सपोजर क्या बोला था कि वी हैव 5 exposure conditions, mild, moderate, severe, very severe, extreme. So अगर कोई भी exposure condition किसी भी question में given नहीं है, then you consider that exposure condition as a mild condition and proceed with the problem. Okay? So ये data दिया हुआ है और हम लोग LSM से design कर रहे हैं, right? हम लोग design कर रहे हैं limit state method में design कर रहे हैं. अभी देखो, तो beam एक beam बोला हुआ है. उसके ऊपर लोड कितना आएगा, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये डेटा दिया हुआ है. हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा कि उसका विड्थ कितना होगा, उसका इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा, उसका ओवरऑल डेप्थ कितना होगा, कितना अमाउंट ऑफ AST लगेगा मेन रेनफोर्समेंट, देन AST निकालने के बाद शियर के लिए कितना अमाउंट ऑफ शियर रेनफोर्समेंट लगेगा, लाइक स्टीरअप्स कितना लगेगा, उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू फाइंड इट आउट. ओके सो पहले लोड दिया हुआ है. सो नेक्स्ट स्टेप शुड बी स्टेप टू, कि उस लोड के लिए क्या जनरेट हो रहा है. सो स्टेप टू लिखने से पहले देख लो एक बार कि मेरा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर एक UDL आ रहा है 35 kN/m के हिसाब से, इसका लेंथ भी दिया हुआ है से 6 मीटर. नाउ पहली बात कि इस लोड के कारण इस बीम में क्या क्या इफेक्ट होगा. इस बीम में बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा और शियर फोर्स जनरेट होगा, राइट? तो इस बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा. सो अगर शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. और मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू कितना होता है, WL/2. सो इस शियर फोर्स के अगेंस्ट में हमें बीम को डिजाइन करना है. दूसरा, इसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा. मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ इसीलिए बेंडिंग मोमेंट को ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंट को अपवर्ड साइड में कंसिडर करता हूँ. सो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होगा.
बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। नाउ अभी समझने वाली बात है कि देखो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे, बीम के सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, सो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए और मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स का ज्यादा हो रहा है सपोर्ट्स पे बट सेंटर पे जीरो हो रहा है। अभी हमको इसी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, पहले बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए उसका डी कितना होना चाहिए, उसमें कितना मेन रेनफोर्समेंट देंगे, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगा तो मेन रेनफोर्समेंट्स कितना देना होगा, उसके बाद मेन रेनफोर्समेंट डिजाइन हो गया, उसके बाद हम लोग इस शियर जो है मैक्सिमम शियर फोर्स, उस शियर फोर्स के अगेंस्ट में भी डिजाइन करके देखना होगा कि कितना अमाउंट ऑफ शियर रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होगा। सो स्टेप्स टू शुड बी कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। एंड बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखना होगा कि जो लोड अप्लाई हो रहा है उस लोड के वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। अल्टीमेटली हम डिजाइन क्यों कर रहे हैं, टू रेजिस्ट द लोड। ओके सो यहाँ पे बोलो कि मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स वी मैक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल अपॉन टू। सो डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 35 किलो न्यूटन पर मीटर है, एल 6 मीटर है, डिवाइडेड बाय 2। सो 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट कम्स एज 105 किलो न्यूटन, राइट, ये आ गया। अभी ये क्या लिया, मैक्सिमम। देखो यहाँ पे मैंने लोड को अभी तक फैक्टर नहीं किया, नॉर्मल लोड को लेकर कर रहा हूं, तुम लोग यहाँ पे भी फैक्टर कर सकता है और मैक्सिमम शियर फोर्स निकाला इसके बाद फैक्टर्ड शियर फोर्स लिख सकता है, एक ही चीज है, फैक्टर्ड शियर फोर्स वी यू इज इक्वल्स टू 1.5। अच्छा एलएसएम के लिए डेड लोड लाइव लोड, यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, सो डेड लोड और लाइव लोड कॉम्बिनेशन के लिए एलएसएम में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, 1.5 सो इतना किलो न्यूटन दैट कम्स एज 157.5 किलो न्यूटन। हमें अभी इस जो डिजाइन शेयर फोर्स मिला हमें, या फिर फैक्टर्ड शेयर फोर्स जो मिला, फैक्टर्ड स्लैश डिजाइन शेयर फोर्स भी लिख सकता है, इस शेयर फोर्स के अगेंस्ट में डिजाइन करना है। वैसे ही मैक्सिमम मोमेंट निकालो और फैक्टर्ड मोमेंट निकालो, सो डायरेक्टली मैं फैक्टर्ड मोमेंट लिख देता हूं, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट एम यू इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू, एक बार में लिख देते हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, सो डब्ल्यू का वैल्यू है 35 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 किलो न्यूटन मीटर। सो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 236.25 किलो न्यूटन मीटर। तो अभी देखो इस चीज को समझो कि हमें ये जो फैक्टर्ड शेयर फोर्स मिला है, इतना फैक्टर्ड शेयर फोर्स के लिए और ये जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट मिला है, इस बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट में अभी डिजाइन करना है। तो बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम रेजिस्ट कर रहा है दो चीज, ये फ्लेक्सुरल मेंबर है तो उसका डेप्थ इसको रेजिस्ट करने में कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा द मेन रेनफोर्समेंट। सो हमें डेप्थ और मेन रेनफोर्समेंट को पहले निकालना होगा, उसके बाद हम लोग शियर फोर्स के अगेंस्ट में डिजाइन करेंगे। ओके सो थर्ड स्टेप शुड बी योर डेप्थ कैलकुलेशन फॉर द फ्लेक्सुरल मेंबर। डेप्थ इज द इंपॉर्टेंट चीज बिकॉज जो तुम्हारा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स बेंडिंग। अभी डेप्थ को ज्यादा रखेगा तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, लाइक योर स्केल, स्केल को अगर तुम पतला साइड को पकड़ के उसको बेंड करेगा आसानी से हो जाएगा, बट उसको अगर सीधा रख के, मतलब डेप्थ को अगर हॉरिजॉन्टली रख के बेंड करने की कोशिश करेगा देन इट विल नॉट बेंड इजिली, क्योंकि वो मेरा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। सो ये एक्सप्लेन कर दिया था तुम लोगों को। सो थर्ड स्टेप शुड बी स्टेप 3, डेप्थ कैलकुलेशन। कोई भी फ्लेक्सुरल मेंबर कर रहे हो सो उसके लिए डेप्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नाउ द क्वेश्चन इज कि डेप्थ कैलकुलेशन तो करेंगे हम लोग. यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बी भी अननोन है, डेप्थ भी अननोन है. सो दो अननोन्स है, दो अननोन वेरिएबल्स है. सो हमें क्या करना होगा, पहले बात एक चीज समझ लो कि डिजाइन क्या होता है ना, इटरेटिव प्रोसेस से होता है. मतलब एक बार में कभी भी डिजाइन कंप्लीट नहीं होता प्रॉपर डिजाइन. सो एक इटरेटिव प्रोसेस है. मतलब तुम पहले एक डेप्थ को लेके किया, फिर विड्थ को लेके किया, देखा कि हाँ मेरा सेफ हो रहा है. उसके बाद चेक करना होगा इकोनॉमिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बट फॉर योर एग्जाम पर्पस यू ओनली नीड टू चेक दैट द बीम वट एवर यू हैव डिजाइन इज सेफ और नॉट. तो इसीलिए अभी अगर हम लोगों को डेप्थ कैलकुलेशन करना है, एक बीम सेक्शन को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे एएसटी है, एएसटी कितना है हमें पता नहीं है, तीन नहीं है. एएसटी कितना है वी नीड टू फाइंड इट आउट. ओके, वही पता करना है. एएसटी इसका विड्थ दिया हुआ है बी. नाउ दिस वन इज इट्स इफेक्टिव डेप्थ डी. सो बी और डी दोनों अननोन टर्म्स है, एक को हमें एज्यूम करना ही होगा. यहाँ पे बी लेस इंपॉर्टेंट है. बी को हम लोग एज्यूम करेंगे, डी को निकालेंगे. अच्छा, उससे पहले कि इस बीम को हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए बैलेंस सेक्शन डिजाइन करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे पहले लिख देना कि लेट्स डिजाइन द बीम और लेट्स ट्राई टू डिजाइन द बीम एज बैलेंस सेक्शन. अब बैलेंस बीम, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला चाहिए. कौन सा फॉर्मूला को लूंगा, बैलेंस का लूंगा, अंडर एनफोर्स का लूंगा, ओवर एनफोर्स का लूंगा. तो कोर्स सेज ओवर एनफोर्स को भूल जाओ. तो हमारे पास पड़ा हुआ है बैलेंस एंड अंडर एनफोर्स. देखोगे अल्टीमेटली इसको अंडर एनफोर्स ही बना देंगे, देखते जाओ. हम लोगों ने इसको पहले बैलेंस सेक्शन के हिसाब से डिजाइन करने की कोशिश करेंगे. सबको, सब सेक्शन को पहले बैलेंस सेक्शन के हिसाब से डिजाइन करने की कोशिश करना होगा. नाउ बी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स एज्यूम बी इज इक्वल्स टू 300 mm. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है सर 300 mm ही क्यों लेंगे. मैंने क्या बोला कि इट्स ए इटरेटिव प्रोसेस. तो एक रेंज तुम्हें पता होना चाहिए कि किस रेंज से किस रेंज तक लेके डिजाइन करना है, नहीं तो फिर बार 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 डिजाइन करते रह जाएगा. हालांकि इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, वी हैव द सॉफ्टवेयर्स, बट स्टिल सॉफ्टवेयर से हम लोग डिजाइन करने, एनालिसिस होता है जनरली, एनालिसिस के बाद वो डिजाइन रिजल्ट भी दिखा देता है. बट स्टिल हम लोगों को मैनुअली कैलकुलेट करके उसको चेक करना पड़ता है. बी का वैल्यू क्या लोगे, 300 से 500 के बीच में लेना, डिपेंडिंग ऑन द लोड. अगर लोड बहुत ज्यादा दिया हुआ है तो 350 लेना, नहीं तो फिर 300 लेके एज्यूम करके डिजाइन करके देखना. और लास्ट में समझाऊंगा कि इस बी को बाद में कैसे, जब एएसटी निकल जाएगा, कि इस बी को कैसे चेंज किया जाता है. इस डिपेंड ऑन द कि कितना नंबर ऑफ एएसटी आया है. तो बेसिकली पहले तुम लोग एक रेंज ले लो कि 250 टू 350 हम लोग एज्यूम करेंगे, या 250 टू 400 एज्यूम करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द लोड. मैंने यहाँ पे 300 लेके एज्यूम किया, क्या होता है देखते हैं. ओके, बी का वैल्यू आ गया है. अभी हमें डी का वैल्यू चाहिए. डी का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, हम लोगों के पास एमयू का वैल्यू है, एफसीके का वैल्यू है, और सेक्शन जानते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन. तो फॉर बैलेंस सेक्शन क्या होता है, यस, फॉर बैलेंस सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हारा कोड में, क्लॉज से जी पॉइंट 1.1 पेज नंबर 96 IAS 456 2000 यहाँ पे दिया हुआ है. कौन सा फॉर्मूला, एमयू लिमिट वाला फॉर्मूला. एमयू लिमिट इज इक्वल्स टू 0.36 एक्सयू मैक्स, 0.36 एक्सयू मैक्स बाय डी, ब्रैकेट में 1 - 0.42 एक्सयू मैक्स बाय डी, ब्रैकेट में एफ सी के बी डी स्क्वायर. राइट, ये फॉर्मूला दिया हुआ है. अभी इस फॉर्मूला में देखो, बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है, एमयू इज इक्वल्स टू एमयू लिमिट होता है. हमारे पास एमयू लिमिट का वैल्यू है, हमारे पास एक्सयू मैक्स बाय डी का वैल्यू है, हमारे पास एफ सी के का वैल्यू है, बी का वैल्यू है. डी का वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगा. इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, और ए फॉर्मूला सिंप्लीफाइड करके दिया हुआ है एसपी 16 में.
इसीलिए बोल रहा था एसपी 16 भी जरूरी है, बता देंगे कहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सो एम यू लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यूज बिठाओ 0.36 इंटू फॉर एफ ई 415 स्टील एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू कितना होता है 0.48 ओके ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू एफ सी के का वैल्यू था 20, बी लिया है हम लोग 300 mm इंटू डी स्क्वायर। सो देखो तो एमयू लिमिट का कितना आ रहा है वैल्यू, इस चीज को सिंप्लीफाई करो। सो इट्स विल कम नियर अबाउट 2.76 डी स्क्वायर। सो ये जो 2.76 डी स्क्वायर ये ऑलरेडी दिया हुआ है फॉर M20 कॉन्क्रीट एंड फॉर Fe 415 स्टील। ये कहाँ पे दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग देख लेना एक बार, उस टेबल में पूरा दिया हुआ है एसपी 16 में, वो टेबल डी पेज नंबर 10, क्लास के बाद मैं दिखा भी दूंगा, पेज नंबर 10 ऑफ एसपी 16। इतना जो कैलकुलेशन मैंने किया वो जरूरत नहीं था फॉर M20 कॉन्क्रीट एंड Fe 415 स्टील, MU equals to 2.76 BD square already दिया हुआ है, okay. So, हमें A मिल गया। अभी देखो MU limit का हम लोगों के पास equation मतलब value है already. So, D equals to क्या हो जाएगा? Under root of MU limit. MU limit का value कितना था? बताओ MU limit का value कितना था? 236 point something था ना? 236.25 kilonewton meter. 25 into 10 to the power 6 किलोन्यूटन में और मीटर में है, तो हम लोगों ने न्यूटन और मिलीमीटर में कर लिया, ठीक। डिवाइडेड बाय 2. ओके यहाँ पे बी डी स्क्वायर, यहाँ पे बी होगा, ओके बी डी स्क्वायर 2.76 तभी आएगा जब बी और डी स्क्वायर का वैल्यू, बी का वैल्यू नहीं बिठाएंगे, मतलब बी का वैल्यू बिठाना नहीं होगा, मतलब ऐसे दिया हुआ होता है बी डी स्क्वायर, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सो ए वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा इस टेबल में, एक ही बात है, अभी बी का वैल्यू हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.76 इंटू 300। अब बताओ डी का वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है एमयू इज इक्वल एमयू लिमिट इक्वल्स टू 2.76 बी डी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला, ए वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इस फॉर्म में फॉर M20 कॉन्क्रीट और Fe 415 स्टील और बाकी ग्रेड के लिए भी दिया हुआ है इस टेबल डी में। So, आप बताओ कि डी का 534.159 डी का वैल्यू हमें मिल गया कि इतना चाहिए, ए चाहिए, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी रिक्वायर्ड इतना है हमें इस मोमेंट को रजिस्टर करने के लिए, हमें इतना डी चाहिए चाहिए 534.159 mm। अभी हम लोग पॉइंट के उधर अभी डी को प्रोवाइड करेंगे तो ऑन साइट कास्टिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, सो थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं। सो डी प्रोवाइड इज इक्वल्स टू थोड़ा सा मैं ज्यादा करता हूँ 535 mm, राउंड ऑफ फिगर कर दिया, तुम लोग 540 भी ले सकता है, नो प्रॉब्लम। क्यों ज्यादा कर रहा हूँ और क्यों ज्यादा को मैं अलाउ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जब डेप्थ को बढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने क्या डी को निकाला एज ए बैलेंस डी, अभी डी को बढ़ा दूंगा तो सेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी को बढ़ा दिया मतलब मेरा कॉन्क्रीट का एरिया बढ़ जाएगा, सो वो सेक्शन क्या हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन आर गुड, दे आर डक्टाइल, ओके। सो बेसिकली बैलेंस, एकदम टू द पॉइंट बैलेंस, किसी भी चीज को डिजाइन नहीं कर सकते हैं बेसिकली ऑन आरसीसी। सो डी प्रोवाइडेड हमें मिल गया कि इफेक्टिव डेप्थ इतना देना है, ओके तो इफेक्टिव डेप्थ मिल गया, अभी बाकी डेप्थ भी निकाल सकते हैं। सो से एज्यूम हम लोग कितना mm डायमीटर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे, वो ए बार भी कितना प्रोवाइड करना होगा, किस mm डायमीटर ऑफ बार प्रोवाइड करना होगा, एक बार में नहीं आता है ताहो अभी, तो फिर एग्जाम में क्या करेगा जो भी दिया होगा थोड़ा हायर डायमीटर का बार को कंसिडर करना 16 mm के ऊपर बीम के लिए, सो हम लोग 20 mm को कंसिडर करेंगे। सो लेट कंसिडर से 20 mm डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट।
एंड देखो एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड दिया हुआ है. सो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमें टेबल 16 जो मैंने तुम लोगों को दिखाया था, टेबल 16 में माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए क्लियर कवर कितना था? 20 mm. यस, क्लियर कवर इक्वल्स टू 20 mm. और ये 20 mm हम लोग कहां से लिए? फ्रॉम टेबल 16. टेबल 16 ऑफ IS 456/2000. यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर कंडीशन हम लोगों ने 20 mm लिया. अभी देखो, अभी हम लोगों के पास जो स्टीरा प्रोवाइड करेंगे उसका डाया है नहीं, तो उसका डाया बाद में एज्यूम करेंगे, तो अभी ओवरऑल डेप नहीं निकालेंगे. या फिर अगर चाहोगे ओवरऑल डेप निकालोगे इग्नोरिंग द डाया ऑफ स्टीरा, वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, बाद में और इंक्रीज करेंगे. तो ठीक है, बेसिकली हम लोग एकदम फुल प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो अभी ओवरऑल डेप नहीं निकालेंगे, बाद में जाके निकालेंगे कि कितना डाया ऑफ स्टीरा देना होगा, उसके साथ मिलके उसको बनाएंगे. ओके, सो हमें मिल चुका है डी कितना होना होगा, बी कितना होना होगा. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, मेन चीज एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी स्टेप 4, राइट? देखो सब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है. लोड था, लोड के अगेंस्ट में मैंने पहले बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स निकाल लिया, अभी जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसके अगेंस्ट में डेप्थ निकाल लिया, नाउ उस बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट में एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट भी निकालना है. सो स्टेप 4 शुड बी कैलकुलेशन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट. ओके, सो इस मेन रेनफोर्समेंट निकालने के लिए ना तीन मेथड्स मैं तुम लोगों को बताऊंगा, और सबसे आसान मेथड होता है यूजिंग द SP16. तीन मेथड देखने के बाद ही तुम लोगों को पता चलेगा कि क्यों SP16 आसान है. ओके, सो पहला स्टेप, ये जो हम लोग निकालेंगे किसके अगेंस्ट में AST निकालेंगे, MU के अगेंस्ट में, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है MU, और उसके साथ साथ डी भी एक वेरिएबल होगा. ओके, सो तीन मेथड है. पहले देखो हम लोगों ने डी को बढ़ा दिया, मतलब अभी उसको मैंने क्या बना दिया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन. सो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो एक नंबर मेथड. सो प्रोसेस नंबर वन, तीन प्रोसेस में समझा देता हूं. प्रोसेस नंबर वन में क्या करोगे, हम लोगों के पास ऑलरेडी फॉर्मूला है फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन. क्या है फॉर्मूला, MU इक्वल्स टू 0.87 FY ST 1 AST FY BD FC. यस और नो? ओके, सो इस इक्वेशन में अगर तुम सब कुछ बिठाओगे, MU का वैल्यू कितना था हम लोगों के पास, 236.25 × 10⁶ equals to 0.87 into FY का वैल्यू कितना था, 415 into AST को तो निकालना है. D का वैल्यू कितना आया है, हम लोगों ने D जो प्रोवाइड किया है 535 ब्रैकेट में 1 minus AST into 415 divided by B का वैल्यू कितना लिया था, 300 into D 535 into 20. Now, इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेगा तो हमें AST का वैल्यू मिलेगा. सो इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस वाले का कितना आ रहा है, इसको टोटल मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, और इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ कि कितना आ रहा है. सो आई थिंक 236.25 × 10⁶ is equals to 193.161.75 AST − 24.97 AST². सो इसको अगर लेके आओगे इस साइड में, सो 24.97 AST² − 193.161.75 AST. कैलकुलेशन को चेक करो, प्लस 236.25 × 10⁶ = 0. Now, AX² + BX + C, इस इक्वेशन का अगर हमें
सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग श्रीधर आचार्य फॉलो कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली पुट ऑन द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में इक्वेशन में जाओ, इक्वेशन में जाके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो फॉर्मूला है वहां से निकालो. सो आई थिंक ए एस टी का वैल्यू आएगा, तुम लोग निकालो, ए एस टी का वैल्यू आएगा नियर अबाउट 1522.58 mm². कैलकुलेट इट क्विकली, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना यूजिंग द कैलकुलेटर. मैनुअली करोगे तो सिद्धार्थ आचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा. यस 5522.85 यस ए वाला वैल्यू आ रहा है. ओके नाउ द सेकंड मेथड, बाकी लोग कैलकुलेशन करो. नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड मेथड कि इसको और कौन सा मेथड से कर सकते हैं. सो इसके लिए और एक फॉर्मूला है दिया हुआ है. सो ए बी मेथड नंबर बी. So, इसके लिए एक फॉर्मूला और एक वैल्यू दे रहा है सर 6212.8, उसको क्या करना है? उसका नहीं चाहिए, हमें x का चाहिए ना, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो x AST है, AST का वैल्यू चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए नहीं, जो नियर अबाउट वैल्यू आएगा. दो मान दे रहा है, दो मान वहां पे देगा हर एक, क्योंकि वो तुम जो इक्वेशन में बिठाया उस इक्वेशन का क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. वो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स दो को अलग अलग मान ले रहा है, इसीलिए दो दे रहा है. So, x का मतलब x2 का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे x2 क्या है, हम लोग डायरेक्टली AST फाइंड आउट करें. तो x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1552 आ रहा है. यस नो? यस सर. ओके सो उसी वैल्यू को लेना होगा. नाउ द सेकंड फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखना, मैं रिकमेंड करूंगा इस फॉर्मूला को याद रखो जो मैं लिखने वाला हुआ अभी, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा कुछ नहीं दिया हुआ होगा तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. 0.5 FCK by FY. So now second method B बोल सकते हो. So AST equals to 0.5 FCK by FY bracket में 1 minus under root of 1 minus 1.6 mu divided by FCK BD square multiplied by BD. So यहाँ से तुम्हें directly AST का value मिल जाएगा. Values बिठाओ, 0.5 into FCK था 20 divided by FY का value कितना था 415. नाउ ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू एमयू का वैल्यू कितना था 236.25 राइट 236.25 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू बी कितना लिया था 300 डी कितना था 535 स्क्वायर ब्रैकेट में बी है तुम्हारा 300 डी है 535 mm². इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है मुझे बताओ, पहले बीच वाले को सॉल्व कर लो. ओके 0.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 415 बीच वाले का कितना हो रहा है बताओ, इंटू 300 इंटू 535. जीरो पॉइंट थ्री नाइन फोर आ रहा है क्या तुम लोगों को, देखो तो 0.394 पूरा टोटल वैल्यू का कैलकुलेशन. अब इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं. 0.5 0.415 300 535 1523.9 ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं देख लो एक बार, 1523.9 समथिंग 91 और 92 mm². चेक इट, वैल्यू आ रहा है. यस सर, मिडिल वाला का तो आ रहा है 0.394. मिडिल वाला का आ रहा है तो ये भी आएगा. चेक इट. सो AST देखो पहले वाले में टोटल वैल्यू इतना आ जा रहा है सर. ओके सेम आ रहा है, कोई बात नहीं. तो पहले हम लोग देखा 1522 था या 1523 है, सो सेम नियर अबाउट सेम वैल्यू आ रहा है. सो नंबर ऑफ बार्स कितना लगेगा, फिर नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड क्या करेंगे, कितना चाहिए एएसटी अपॉन एक बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है. तो हमने कितना एमएम डायमीटर ऑफ बार को कंसीडर किया है, 20 एमएम डायमीटर ऑफ बार को कंसीडर किया है. सो पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर, कोई भी एक वैल्यू लो, से हम लोग से 1522 को ही ले लो, 0.58 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर करके देखो कितना वैल्यू आ रहा है.
पॉइंट समथिंग आएगा ना, 4.8465. सो नियर अबाउट हमें पांच नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करना है. सो वी नीड टू प्रोवाइड फाइव नंबर ऑफ 20 mm डायमीटर ऑफ बार्स. दोनों से करो, दोनों से ही पांच मिलेगा. अभी थर्ड प्रोसेस में दिखाता हूँ जो सबसे आसान है और मैं रिकमेंड करता हूँ उसी प्रोसेस से फॉलो करो. सो वी नीड टू प्रोवाइड फाइव नंबर ऑफ 20 mm डाया बार्स. ठीक, अभी हम लोग आते हैं थर्ड प्रोसेस में. ओके, सो वो वाला प्रोसेस सबसे आसान है. सो यहां तक हो गया बस. नाउ थर्ड वे में हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं. बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस और बस क्या निकालेंगे, यूज करेंगे SP16 को. सो SP16 में चलते हैं एक बार. ओके, तो और क्लियर होगा. ओके, सो SP16 में यहाँ पे तुम्हारा पेज नंबर 47 से दिया हुआ है. पेज नंबर 47 से वैल्यूज दिया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्क्रीट. सो पहले पेज नंबर 47 में जो है टेबल 1 दैट इज फॉर M15 कॉन्क्रीट. सो M15 कॉन्क्रीट के लिए MU/BD स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग जो जो स्टील है उसका डायरेक्टली PT वैल्यू, परसेंटेज ऑफ स्टील वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है. ओके, सो देखो यहाँ पे फॉर A है 15 के लिए, हम लोग 20 के लिए कर रहे हैं तो 20 के लिए देखेंगे. पहले सीख लो क्या है. 15 के लिए दिया हुआ है किसके कोरस्पॉन्डिंग, MU/BD स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील. ए जो वैल्यू दिया हुआ है ये सारा वैल्यूज है तुम्हारा परसेंटेज ऑफ स्टील का वैल्यू. सो डायरेक्टली अगर हम लोग MU/BD स्क्वायर निकाल लेंगे और उसका कोरस्पॉन्डिंग PT निकाल लेंगे तो PT इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, ST/BD इंटू 100 इक्वल्स टू ए वैल्यू लिख देंगे. सो हमें तुरंत वो आइडिया हो जाएगा कि कितना वैल्यूज देना होगा. सो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया हुआ है. देखो ये फॉर M15 कॉन्क्रीट. नाउ नेक्स्ट पेज में जाएगा तो M20 कॉन्क्रीट के लिए मिलेगा, उसके बाद M25 के लिए मिलेगा. सो ये देखो FCK 20. सो हम लोग किस FCK को लेके कर रहे हैं, 20 को लेके कर रहे हैं. सो वी नीड दैट टेबल, टेबल नंबर 2 पेज नंबर 48. ओके, सो अभी हम लोगों को क्या चाहिए PT निकालने के लिए, हमें पहले MU/BD स्क्वायर निकालना होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग PT चेक करना होगा थ्रू आवर MU/BD स्क्वायर वैल्यू. सो अभी बताओ कि जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें MU/BD स्क्वायर का पहले वैल्यू कितना आया था, 2.76, राइट? 2.76 चेक करो एक बार. MU/BD स्क्वायर का वैल्यू इतना आया था हम लोगों का पहले, मतलब जब हम लोग डी निकाल रहे थे 2.76 आया था. अभी अगर तुम लोग उस फॉर्मूला में MU/BD स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा MU/BD स्क्वायर तो कितना आएगा, MU का वैल्यू कितना है हम लोगों का, 236.25 इंटू 10^6 अपॉन बी हमने 300 लिया है और डी कितना लिया है, 535. डी को थोड़ा बढ़ाया है. अभी देखो तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1471.96. नहीं, बी स्क्वायर, नीचे डी स्क्वायर है, 2.76 आ रहा था, 2.75, राइट, 2.75. नाउ अभी देखो 2.75 हमें MU/BD स्क्वायर का वैल्यू मिला. हम लोग स्टील कौन सा ले रहे थे, 415 का. नाउ क्लोजली इस टेबल को कैसे यूज करना है, क्लोजली देखो. सो यहाँ पे देखो हम लोग पहले चेक कर लेना टेबल को, पहले सिलेक्ट करने के लिए पहले देखना कि कौन सा ग्रेड का कंक्रीट दिया हुआ है, उसी हिसाब से टेबल को चूज करो. सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट से हम लोगों ने टेबल को चूज कर लिया. ओके, नाउ हमें क्या चाहिए, कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर रहे हैं, हम लोग कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर रहे हैं, 415. सो हमें बस इस कॉलम को देखना है और यहाँ पे MU/BD स्क्वायर का वैल्यू है. देखो MU/BD स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2.74 के लिए वैल्यू है एक और 2.76 के लिए वैल्यू है एक, 2.75 के लिए कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है. तो तुम लोग क्या कर सकता है, नियरेस्ट वैल्यू को ले सकता है या फिर इंटरपोलेट कर सकता है, लीनियर इंटरपोलेट कर सकता है. सो अगर नियर अबाउट वैल्यू लेगा तो 2.76 का वैल्यू ले लो, कैलकुलेट कर दो PT का वैल्यू. हम लोग अभी इंटरपोलेट करके भी देख लेते हैं कि कितना वैल्यू आता है. ओके, इंटरपोलेशन कैसे किया जाता है. तो हमें दो वैल्यूज मिला, 2.74 के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, 2.76 के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू. हमें चाहिए 2.75 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू. तो चलो इंटरपोलेट करके देख लेते हैं. लेट्स ओपन द व्हाइट बोर्ड.
सो हमें एम यू बाय बी डी स्क्वायर का वैल्यू मिला, वैल्यू बिठाने के बाद 2.75. नाउ उस टेबल से, सो यहाँ पे लिखना फ्रॉम फ्रॉम पेज नंबर 48 टेबल 2 ऑफ आईएस, आईएस नहीं एसपी 16, क्या मिला हमें एम यू बाई बी डी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग पीटी का वैल्यू मिला. सो हम लोग लिख देते हैं एम यू बाई बी डी स्क्वायर एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पीटी परसेंटेज ऑफ स्टील. सो 2.74 के लिए एक वैल्यू था, 2.75 के लिए हमें निकालना है, 2.76 के लिए दिया हुआ है. सो 2.74 के लिए पीटी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 0.946 ना 46, और 2.76 के लिए कितना दिया हुआ था, 0.955. ना हमें इसके लिए निकालना होगा कि कितना होगा पीटी. सो लिनियर इंटरपोलेशन जिसके लिए निकालना होगा उसको एक्स मान लेना, एकदम आसान सा तरीका सिखा देता हूं. इसको एक्स वन एक्स टू, इधर वाई वाई वन वाई टू. नाउ इंटरपोलेशन लॉ क्या कहता है, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन प्लस टेन का है अपॉन y2 माइनस y1. हमें x का वैल्यू चाहिए, सो x विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 ब्रैकेट पे y माइनस y1 प्लस x1. नाउ इसमें सारा वैल्यूज x1 और y1 का वैल्यूज बिठा दो और बताओ कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट विल बी आवर pt तुरंत. वही नियर अबाउट 0.9505 ऐसा आएगा पीटी का वैल्यू, एकदम सेम है, इसलिए बोल रहा हूं कि नियर अबाउट वैल्यू को भी अगर लोगे तो दैट विल नॉट इफेक्ट. सो पीटी मिल गया, वैल्यूज बेटा के चेक कर लो एक बार कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आ रहा है ये वैल्यू, x2 के जगह पे 0.955 बिठाओ, x1 के जगह पे 0.945 बिठाओ, y का वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, एंड टेल मी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अच्छा तुम लोग कैलकुलेट करो, तब तक हम लोगों को पीटी मिल चुका है. सो पीटी इज इक्वल्स टू, हम लोग इसी वैल्यू को लेंगे 0.9505. नाउ पीटी इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, ए एस टी बाय बी डी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.9505. सो ए एस टी कितना हो जाएगा, ए एस टी हो जाएगा तुम्हारा 0.9505 इंटू बी 300 इंटू डी 535 अपॉन 100. सो देखो तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है चेक करके, आई थिंक 1525 पॉइंट समथिंग आएगा, 55 mm स्क्वायर. चेक करके वो वाला दिखाइए ना फिर. ओके सो हमें वैल्यूज मिल गया, इतना ही वैल्यू आ रहा है. सो देखो तीन प्रोसेस से करोगे किसी से मिल जाएगा, तो कौन सा प्रोसेस आसान है, व्हिच प्रोसेस इज आसान प्रोसेस, थर्ड वन सर, दैट्स व्हाई यू नीड द एसपी 16 एंड एसपी 16 इज अलाउड इन योर एग्जाम हॉल. ओके नो प्रॉब्लम. सो हमें देखो बीम का जो डिजाइन कर रहा था उसमें हम लोगों को कुछ डेटा ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी डिजाइन हम लोग कुछ पोर्शन तक कर दिए. क्या क्या किया हम लोगों ने, किया कि कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, उसका विड्थ कितना होगा, उसका डेप्थ कितना होगा. सो रेनफोर्समेंट कितना देना होगा हम लोगों को, 5 20 mm डायमीटर का, 1 2 3 4 5 सिंगली रेनफोर्स. जितना रेनफोर्समेंट आएगा उतना ही नीचे देना होगा, ना कि 5 आया है 3 नीचे दूंगा 2 ऊपर दूंगा, नो. ये निकल गया एएसटी, सो 5 नंबर ऑफ 20 mm बार्स, और इसका विड्थ मिल चुका है हमें बी 300 mm. अभी चेक करेंगे जो हमने विड्थ और डेप्थ लिया है दैट इज ओके और नॉट विथ रेस्पेक्ट टू शियर एंड विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन. सो डी इज इक्वल्स टू हम लोगों को कितना मिला, 535 mm. हम लोगों ने क्लियर कवर भी निकाल चुके थे. नाउ अभी हम लोगों को एक चीज फाइंड आउट करना है, दैट इज द
क्या है जो स्टीरअप हम लोगों को चाहिए यहाँ पे, इसको तो सो स्टीरअप का डायमीटर, उसका स्पेसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स कितना होगा डिजाइन अगेंस्ट शेयर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बीम का कुछ कुछ एलिमेंट को ऑलरेडी डिजाइन कर दिया, बी डी और एस टी। अभी एक चीज बचा हुआ है कि शेयर के अगेंस्ट में डिजाइन करना है, तो डिजाइन अगेंस्ट शेयर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके okay?